जी हाँ, सस्ते घर का सपना आपका बहुत जल्द पूरा हो सकता है। यहाँ पर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गाइडलाइंस है उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। प्रवीण जैन साहब, दिल्ली एनसीआर के आसपास करीब करीब 50,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि सरकार को यहाँ सेंट्रल और स्टेट को एक साथ आकर लैंड पूलिंग करनी चाहिए ताकि लोगों का भी फायदा हो इसमें? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के साथ साथ देखिए मेन जो दायित्व आता है वो राज्य सरकारों का है, और राज्य सरकारों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, या तो दिल्ली से बाहर यूपी की ज़मीनें हैं या फिर हरियाणा की ज़मीनें हैं जो इस तरह की अवेलेबल हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल नहीं है, या दिल्ली में जो सराउंडिंग में जो नया एरिया जो ग्रीन जोन जो आर जोन जिसको बात कर रहे हैं वो सरकार की ज़मीन नहीं है। सरकार की ज़मीन पर करने के लिए तो PPP मॉडल में जाना पड़ेगा हमें, और अगर हम ये कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। और अदरवाइज़ जैसे अभी पीछे सुधीर जी ने बताया जी, कि सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस की। रेरा आने के बाद भी जब तक ट्रांसपेरेंसी तो आ जाएगी, मगर जब ये नंबर तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक ये टाइम से हम लोगों को अप्रूवल ना मिले, बिल्डर्स को अप्रूवल ना मिले। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तो ये बड़ा दूर की गाड़ी लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी परेशानी होगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बेहद ज़रूरत है यहाँ पर। मिस्टर रमन, क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ MIG स्कीम्स की सब्सिडी के लिए? क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि नो हाउस ऑन बेनिफिशरीज नेम शुड बी देयर? No, but in MIG there is no affordable housing segment. In any urban area you can get it. In the CLSS subsidy also it has been notified. As far as the state government notifies, you will get it. Here all other cities, all urban cities are eligible for it. जी सर, एक और चीज हमने यहाँ पर देखी, पिछले दिनों बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे थे जो कंज्यूमर को चीट कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। आपकी क्या कुछ एडवाइस होगी सर उन लोगों को जो पहली बार अब यहाँ पर घर खरीदने जा रहे हैं, जो एलिजिबल हैं? नॉर्मली यू गो टू द बैंक एट द टाइम ऑफ योर लोन, राइट? यू डोंट गो टिल वेट टिल कंस्ट्रक्शन एंड and wherever it has come to our notice, for example Maharashtra government I think took serious action on one of the builder in Pune, wherever it comes to our notice we take it up. But normally as a borrower you go to the bank on day one, not on the end of construction, so bank will tell you immediately. So no builder can charge a premium saying I am helping you avail Pradhan Mantri Awas Yojana, because they have nothing to do with it. मिस्टर कृष्णा, आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के फॉर्मर सेक्रेटरी भी आप यहाँ पर रह चुके हैं सर। यहाँ पर जो लो कॉस्ट हाउसिंग है या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या बिल्डर्स के लिए आसान होगा इस तरह के मकान बनाना उतने बजट में ताकि लोगों की जेब को भी वो ज्यादा भारी ना पड़े और उनको भी यहाँ पर फायदा होता दिखे? बिल्डर्स का जहाँ तक मेरा मानना है, घर वो किसी भी तरह के बना सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है जी। लेकिन जो प्रोसेस है, एनवायरनमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, प्लानिंग का एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, खासतौर से एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है, यानी के वाटर सप्लाई, सैनिटेशन जी बिल्कुल बिल्कुल, रोड कनेक्टिविटी, ये सब बिल्डर्स खुद नहीं कर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही सर कि अफोर्डेबल हाउस तो यहाँ पर बन सकता है लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है उन पर भी बिल्डर्स को यहाँ पर ध्यान देना होगा। जाते जाते प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी, और जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे और प्रवीण जैन साहब ने भी कहा, साथ ही साथ मिस्टर कृष्णा ने भी बात यहाँ पर उठाई कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉसिबल है लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो ये मानते हैं कि हम बना सकते हैं इस तरह के घर लेकिन जो तमाम तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं या फिर जो क्लियरेंसेस माफ कीजिएगा लेनी पड़ती है उसमें बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। देखिए, सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की अगर आप बात करें तो काफी पेपरवर्क खत्म किए हैं, दिल्ली में सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू हो गया है। सबसे अहम बात यह भी है कि प्रोजेक्ट को लेकर जो क्लैरिटी है, प्रोजेक्ट को लेकर क्लैरिटी बेहद ज़रूरी है कि आप किस सेगमेंट में घर बनाना चाहते हैं, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लिया है आप उसी प्रोजेक्ट के उसी क्राइटेरिया के तहत घर बनाएं, और रेरा आने के बाद इसमें क्लैरिटी आएगी और कंप्लायंस को कम्प्लीट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बात कर रही हैं तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के इतिहास में
अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे गोल्डन पीरियड है कंज्यूमर के लिए भी और बिल्डर के लिए भी। बिल्कुल गोल्डन पीरियड है कंज्यूमर के लिए, इसलिए बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अब सरकार आपका इस सपना पूरा कर रही है और आप भी यहाँ पर जो तमाम बातें हमने आपको बताई उसके तहत कहाँ आपको अप्लाई करना है, कैसे आप एक घर खरीदा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, ये भी सब हमने आपको बताया। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए और अपने लिए घर का सपना जो है वो पूरा कर लीजिए। मेरे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।